दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। दोस्तों उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन का दायरा सरकार बढ़ाने जा रही है। सरकार जल्द ही अब राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना के दायरे में लेकर आएगी। अभी तक फिलहाल उन्हीं लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिलते थे जिनके नाम उज्ज्वला योजना लिस्ट में पहले से थे, लेकिन अब उन सभी लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। उन सभी लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 9,27,00,000 लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 9,27,00,000 बीपीएल राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखकर देना होगा कि वो वास्तव में गरीब है और उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। देश में 5,80,00,000 लोगों को मिला कनेक्शन। अभी तक उज्ज्वला योजना में करीब 5,80,00,000 लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। पहले इसके लिए केवल उन्हीं लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता था जिनका नाम उज्ज्वला योजना लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब इसका आधार बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल देश भर के 90% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। उज्ज्वला के तहत एलपीजी रिफिल की संख्या बढ़ी। उज्ज्वला योजना में जिन्हें गैस कनेक्शन मिला है वे रिफिल भी करवाने लगे हैं। अब उनकी वार्षिक रिफिल की औसत 4 सिलेंडर हो गई है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उज्ज्वला योजना में भले ही फ्री में गैस कनेक्शन दे दिया हो, लेकिन वे एक बार सिलेंडर खत्म होने के बाद रिफिल नहीं ले रहे हैं, बल्कि फिर पुराने तरीके से ही खाना बनाने लगे हैं। प्रधान का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में सिलेंडर की खपत कम है, इसलिए वे रिफिल भी कम ही ले रहे हैं। तब भी वे साल में औसतन 4 सिलेंडर ले रहे हैं। 100 नए बोटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। देश भर के सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन होगा तो रिफिल सिलेंडरों की मांग बढ़ेगी। इससे निपटने के लिए 100 और बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इस समय तीनों सरकारी तेल कंपनियों के 190 बॉटलिंग प्लांट काम कर रहे हैं। वर्तमान में देश में करीब 19,000 एलपीजी वितरण है। इनकी संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। इनकी मांग पूरी करने के लिए एलपीजी का आयात भी बढ़ाना होगा और आयातित एलपीजी के सस्ते परिवहन का भी इंतजाम करना होगा। इसके लिए कुछ नए एलपीजी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जबकि कांडला से गोरखपुर तक करीब 2,500 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन भी तैयार की जा रही है। इससे आयातित एलपीजी सस्ते में बोटलिंग प्लांट तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, वो भी बीपीएल राशन कार्ड, तो आपको फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट जरूर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।